Yes, I think now it's working. Oh, it's rolling. Adab, good evening. Welcome back. I must apologize that मतलब बहुत ज़माना हो गया आप लोगों से बात की हुए और काफ़ी जो है वक्त गुजर गया आप लोगों से मुलाकात किए हुए। मैं कुछ एक दो इंटरव्यू सेटअप करने की कोशिश कर रहा था और उस में मसरूफियत की वजह से आपसे बातचीत मुलाकात नहीं हो पाई। आपको पता है कि इस मॉडर्न ज़माने में कहानी कहने का सबसे बेहतरीन तरीका या तो सुनाया जाए या दिखाया जाए। सो हमने अपने कुछ दोस्तों से बात की और उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की कि वो लोग जो हैं हमारी कहानी के उन पात्रों को जिनके बारे में मैं लिख चुका हूँ अपनी रिपोर्टिंग के ज़माने में, उनका रोल जो है कैमरे पैदा करें। मुझे नहीं पता कि हम कितने अच्छे से कर पाए या नहीं कर पाए और हमें नहीं पता कि हमारा अटेम्प्ट कितना सक्सेसफुल है, लेकिन मैं वो कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि इसमें कहानियाँ जो हैं बहुत सच्ची और बहुत किरदार जो हैं एकदम रियल हैं। कुछ इसमें आपके लिए बहुत हैरानी की बात होगी कि जैसे विवान शाह जो नसीरुद्दीन शाह के सुपुत्र हैं, आपने उनको कई बार पढ़े देखा है, बड़ी फिल्मों में आए हों, लेकिन उन्होंने इसमें एक बहुत नया डैशिंग एक एक्शन ओरिएंटेड हीरो का किरदार निभाया है। जी हाँ, आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि विवान जो हैं वो अब तक जो बहुत ड्रामेटिक रोल किया करते थे, कॉमिक रोल किया करते थे, सीरियस एक्टिंग किया करते थे, वो आपको इसमें एक्शन में नज़र आएंगे। ऐसे ही मेरे मित्र साजिद वाजिद फेम में साजिद खान ने इसमें म्यूज़िक दी है और साजिद ने एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज रोल भी किया है और इसके अंदर दूसरी मुख्य भूमिकाएँ भी हैं जो आप जब देखेंगे तो आपको सारे पात्र, वो सारे किरदार जो मेरी कहानियों में आपने पढ़े हैं, वो आपको पर्दे पर साफ नजर आएंगे। सो आई होप यू एन्जॉय दिस मूवी विच शाहबाज हैज़ मेड एंड ट्राई टू पोर्ट्रे ऑल दोज कैरेक्टर्स। वो सारे पात्र मेरे जो कहानियों में ले आए वो आपको इसमें मिलेंगे। आई विल जस्ट आंसर दिस कॉल एंड लेट यू वॉच द ट्रेलर। थैंक यू। धंधे को जिंदा रखने के लिए नाम को जिंदा रखना पड़ता है। नाम खत्म, धंधा भी खत्म। मरीन एंड प्रिवेंटिव का कस्टम ऑफिसर फिरोज मोमिन साला बाल बांध के रौफ के पीछे ही लग गया। रौफ ने कई बार मुझे खरीदने की कोशिश किया है, लेकिन जब तक वो स्मगलिंग करता रहेगा तब तक मैं उसके माल को पकड़ता रहूंगा। जब तक वो जुर्म नहीं छोड़ेगा तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं सीनियर इंस्पेक्टर बोरकर यहाँ का इंचार्ज हूँ। रिकॉर्ड पे भी लेके क्या करेंगे घंटा? खाते समय अगर गले में हड्डी फंस जाए ना तो उसे निगलते नहीं, थूक देते। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसको हड्डी नहीं डालते, सीधा गोली मारते। बोलेंगे तू ही तीन चार मर्डर करके बैठा ही है, बहुत डेंजरस शूटर है रौफ का। कड़की जेब और परेशान लड़की, अपने को कुछ समझ में नहीं आती, जा जाके बोल दो उसको। इश्क तन्हाई चाहता है और माशूक को खबर ही नहीं। आपके लिए खबर है। क्यों ना हम अगर इस उस तरह का ही एनकाउंटर कर दे तो? पुलिस के तो आधे से ज्यादा एनकाउंटर मेरी कंपनी के नाम ही लिखे जाते हैं। अब कानून के हाथ इतने भी लंबे नहीं जो मुझ तक पहुंच सके।